डीबी होगा या नहीं होगा, कक्षा एक और पांच के लिए डीबी होगा या नहीं होगा, बहुत के मन में यह कंफ्यूजन है, सभी दिव्यांगजनों का जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो भी और दिव्यांगजनों के मन में भी कंफ्यूजन है कि सर और क्लास का डीबी हो गया, मेरा डीबी होगा या नहीं होगा, क्या हम लोग का बिना डीबी का ही नियुक्ति हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए डीबी का जो सवाल है ना वह डीबी जरूर होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसमें बीपीएससी कुछ आगे कदम आगे बढ़ी गई बढ़ गई और 9th 10th 11th 12th का डीबी करा ली पहले ही बिना रिजल्ट का। ऐसे डीबी का प्रावधान तो रिजल्ट के बाद होता है, लेकिन पता नहीं बीपीएससी रिजल्ट के पहले ही कैसे डीबी करा लिया। अब ये बात मुझे भी समझ में, हो सकता है कि संख्या कम था, सीट जितना था उस सीट से संख्या कम था विद्यार्थियों का, तो हो सकता है इसके कारण करा लिया होगा। लेकिन 1 से 5 वालों का डीबी रिजल्ट के बाद होगा और डीबी के तुरंत बाद नियुक्ति भी हो जाएगी, इसमें कोई लेट नहीं होगा। उधर डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इधर नियुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए आप कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और तुरंत के तुरंत आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी, नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर, उसके बाद स्कूल अपॉइंटेड हो जाएगा, प्रशिक्षण कहाँ करना है आपको, कौन से डाइट में बाइट में, वहाँ सभी सब कुछ पता चल जाएगा बहुत तुरंत, हो सकता है दशहरा के पहले ही। तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहिए, डीबी अवश्य होगा, लेकिन 9th 10th 11th 12th लोग का जैसे डीबी हुआ था वैसे डीबी नहीं होगा, इधर डीबी होगा और उसी के वक्त आपको जो है सो बता दिया जाए कि आपका नौकरी यहाँ है, यह चीज डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जमा कराइए, आपका हो गया। तो इस प्रक्रिया से होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग जल्द से जल्द इस काम को जो है सो करवाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है कि जल्द से जल्द इस वैकेंसी को फिल फल कर नया वाला वैकेंसी आउट कर दिया जाए।